बाहर का मौसम ऐसा है और ऐसे में कुछ चाय मिल जाए तो इसकी बात ही कुछ अलग है। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम इन खूबसूरत पहाड़ों से। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पहाड़ों में मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, फोरकास्ट भी फेल हो जाते हैं, ऐसे ही आज मौसम ने कुछ ऐसा ही कर दिया। मौसम ने आज सरकार को भी बेवकूफ़ बना दिया, और वो ऐसे कि आज सरकार ने, मतलब गवर्नमेंट ने देखा होगा कि फोरकास्ट में कि कल बहुत भयंकर बारिश है, तो उसके हिसाब से आज स्कूली बच्चों की छुट्टी करा दी। और जब बाद में पता चला कि ये देखो मौसम तो बिल्कुल ठीक है, मतलब बारिश आएगी दिन में, शायद पता नहीं कब तक आएगी, लेकिन वो सुबह से ही बता देते थे कल खतरनाक बारिश होने वाली है, और अभी तो मौसम फिलहाल ठीक है, देखते हैं कब तक आएगी बारिश। तो हमारे सामने ये खूबसूरत पहाड़, ये सामने है तुंगनाथ और ये नीचे है चोपता और ये उसकी पहाड़ी वाली रेंज, और सारे लोग देखो खेतों में चले गए हैं, तो बड़ा खूबसूरत माहौल है। तो ये है भाई गाँव का माहौल। पेटी बॉडी ताई देखो अपनी मिर्च भी देख रही है कि ये कैसे हो रखे हैं, और साथ में ताई खेतों के लिए भी निकल चुकी है। अब आप लोग देखते होंगे ना कि मैं किसी किसी को बॉडी बोलता हूँ, तो बॉडी किसको बोलते हैं? तो बॉडी बोलते हैं बड़ी माँ को, मतलब ताई को। तो गढ़वाली में ताई को बोलते हैं बॉडी। तो अभी बॉडी भी खेतों के लिए निकल चुकी है, तो यहाँ से जाते जाते ताई ने अपने खेतों की मिर्च भी देख ली और अब निकल गई है मंडुवे के लिए। मैं हाथ पड़ा कमरे जी ठीक। और कल ना मम्मी गई थी खेतों में निहार काटने के लिए, तो मम्मी ने रात को जैसे हमारे लिए खाना बनाया, उसके बाद मम्मी के हाथ में भयंकर वाला दर्द हो गया, मतलब ये हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, सॉरी उल्टा वाला हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो सुबह उठ के मैंने मम्मी की थोड़ा हेल्प करी, आटा गूंदा, और अभी मम्मी थोड़ा कपड़े सुखा रही है, तो मैंने बोला थोड़ा रेस्ट कर दे फिर जाके और काम करेंगे। और मम्मी के साथ क्या था पता, मैं जैसे वीडियो बनाता हूँ ना तो पहले मम्मी को दिखाना पड़ता है कि मम्मी ये वाला शॉट ठीक है, मम्मी बोलती है नहीं अब मैं ऐसे करूंगी फिर जाके मैं ऐसे करूंगी, मतलब एक शॉट लेने के लिए मम्मी को 3-4 बार लेना पड़ता है फिर जाके कोई कोई सिलेक्ट होता है। नहीं तो मैं इसीलिए मम्मी की वीडियो कम डालता हूँ, नहीं मम्मी रिजेक्ट कर देती, नहीं ये वाला नहीं दूसरी, ये वाला नहीं दूसरी। और आजकल बॉडी ने घर पे बहुत सारी सब्जियां लगाई हुई है, ये देखो ये लौकी का झाड़ कितना बड़ा हो गया, और इसको सपोर्ट करने के लिए ना ताई ने ये साड़ी बांधी हुई है, यहाँ नीचे से पूरी ऊपर तक साड़ी बांधी हुई है, जिससे कि ये नीचे ऐसे झूले ना और पूरा ऊपर तक छत पे चले जाए। और इस वाले खेत में देखो मुंगरी, तो मक्के को बोलते हैं मुंगरी, और वो पीछे जो लटकी हुई है बड़ी सी गोल, तो उनको बोलते हैं ककड़ी, काकड़ी, खीरा होता ना तो हम काकड़ी बोलते हैं उसको, आप लोग क्या बोलते हैं हमें जरूर बताएगा। और खिरकंडे, मुंगरी, मतलब आज का सब्जियों की भरमार लगी हुई है। तो हमारे खोले से, हमारे छत से, हमारे घर से, हमारे सामने जो गाँव दिखता है ना, उन गाँव के नाम बताता हूँ कि उनको नाम क्या है। तो ये सामने जो ये वाला गाँव है ना, तो ये साइड और ये साइड दोनों एक ही गाँव के हैं, तो इसका नाम है उसाड़ा। फिर आते हैं उसके राइट साइड में, तो ये वाला गांव है पूरा इस सारे रोड से ऊपर, मतलब हुड्डू गांव है ये, और इसके नीचे है कर्णधार। तो फिर राइट साइड में आते हैं तो इसका नाम है कांडा, और इसके नीचे है देड़ा। तो ये जो 5-6 गांव है, हमारा गांव जोड़ के और ये सामने के जो गांव है, तो इन सब में ना एक ही स्कूल है, इंटर कॉलेज एक ही है, तो यहाँ नीचे है वो देड़ा में। तो इतनी दूर दूर से लोग, मतलब कम से कम 3-3, 4-4 किलोमीटर सब लोग पैदल आते हैं, और हमेशा सुबह जैसे अगर 7:30-7:30 स्कूल है तो सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, तो 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। अब पहाड़ों में ना स्कूल बस नहीं होती है, इसका ना एक रीजन है, जैसे ना ये प्राइमरी स्कूल है तो हमारी रोड इतनी ऊपर है और जाना हमें यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे है, जब जाना हमें पैदल ही है, तो स्कूल बस का कोई फायदा नहीं होता है, बहुत कम होती है स्कूलें जो रोड साइड पर मिल जाती है, नहीं तो ज्यादातर स्कूलें ऐसी होते हैं कि उनके लिए पैदल चलना ही पड़ता है। तो जब पैदल जाना ही है तो स्कूल में बस यूज करके फायदा नहीं है, उससे बढ़िया तो सब उससे बढ़िया शॉर्टकट लेके उसे गाड़ी से जल्दी पहुंच जाते हैं, तो इसीलिए पहाड़ी इलाकों में ना बस का यूज कोई नहीं करता स्कूल बस का। अभी दिन के 12 बज रहे हैं और अभी मैं लगा हुआ था उधर काम पे, तो काम ऐसा है आजकल, तो जो ये डाइनिंग बना था तो इसमें ये ड्रॉअर वगैरह काम चल रहे हैं, और अभी मिस्त्री लोग वहां बना रहे हैं और इसके बाद यहाँ ऊपर भी ड्रॉअर बना देंगे। और मौसम विभाग की जानकारी के हिसाब से बारिश तो आ गई है, लेकिन शायद स्कूल अगर बंद नहीं होते तो काम चल जाता मेरे हिसाब से, क्योंकि बारिश अभी 12 बज रहे हैं, अब तक तो छुट्टी भी हो जाती शायद।
और इस वाली साइड पे ना ये देखो पूरी बारिश लग रही है, हमारे जो चौपटा तुंगनाथ वाला एरिया है ना वहाँ पूरी बारिश लग रही है। और ये देखो इधर पूरे बादल लगे हुए हैं। और यहाँ ऐसा होता है ना, अगर बारिश ना इस साइड से आ रही हो तो वो यहाँ तक नहीं आती है, और बारिश अगर यहाँ भी लगी हो ना तो बारिश कन्फर्म है कि इधर की साइड आती है। और ये चीज़ ना मैंने भी नोटिस करी है, अगर बारिश ना तुंगनाथ की साइड लग रही है तो बारिश यहाँ बहुत कम आती है, क्योंकि वो इधर उसाड़ा ताला तक आती है और वहीं रुक जाती है। और अगर बारिश ना मेरे पीछे जो मक्कू मठ है इस वाली साइड जहाँ मैंने हाथ किया हुआ है इस वाली साइड अगर लगती है ना तो हम आइडिया लगा देते हैं कि ओहो बारिश आने वाली है, अब कपड़े वपड़े अंदर रख लो, जो भी बाहर सामान रखा हुआ है उसको फटाफट अंदर रख लो नहीं तो बारिश आ जाएगी। अभी ना शाम का टाइम है और आज ना ताई ना नई टीवी लेके आई है, तो इसी टीवी को मैं पहले दीवार में फिट कर रहा हूँ। अभी बहुत दिक्कत हो रही, मतलब एक तो ये तो पत्थर की दीवार है ना पूरी, तो उसमें एक तो छेद हो नहीं रहा, अभी ड्रिल से मैंने छेद कर दिया। और तो पंगा ये आ रहा कि इसके और इसके बीच में ना गैप कम पड़ गया, तो टीवी इस पर जा नहीं रही ढंग से, तो मेरे को ये बोर्ड निकाल के थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, टीवी फिट करनी पड़ेगी फिर बोर्ड लगाना पड़ेगा और तब जाके मेरा काम पूरा होगा। चलो फिलहाल तो हो गया, टीवी भी लग गई है और ये बोर्ड खुला के फिर अंदर डाल दिया इसको, फिलहाल तो कर दिया सब फिक्स हो गया। अब इस पे सिग्नल के लिए डिस्क जोड़ना है। अब टीवी ठीक करने के लिए बस एक केबल का तार चाहिए और वो सेट हो गया, क्योंकि पिछला जो तार था ना वो पूरा खराब हो गया था, तो वो फेंक गया था, यहाँ पे पड़ा हुआ था कमरे में रखा हुआ था, क्योंकि छोटी छोटी चीजें संभाल के रखते हैं मम्मी, तो ये संभाल के रखा हुआ था, अभी काम आ गया, तो अभी इसको फिट करते हैं फिर मजे। देखो सब काम हो गए थे और लास्ट में ना ये रिसीवर खराब हो गया, मतलब मैं 3 बजे से लगा हुआ था, 3 बजे से इसने 5:30 तक तो पूरा साथ दिया और आधे घंटे में पूरा खराब हो गया, मतलब जब मेरे को सिग्नल निकालना था तो ये खराब हो गया। तो मैं देखता हूँ इसको अभी खोल के देखूंगा, अगर मेरे हैंड से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसको फिर मार्केट भेजेंगे। और मेरी ना एक आदत है, या तो ये ठीक होगा तो ठीक है, मतलब जब तक नहीं होगा घर पर रहेगा तो या तो सही होगा या फिर खराब ही होगा, तो मार्केट जाएगा तो नज़रों से दूर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब घर पर नहीं रहना चाहिए ऐसा, या तो ठीक करके रहूँगा फिर, तो लगा रहता हूँ अब रात भर, अगर देखता हूँ कब तक ये सही होगा। तो फिलहाल चलिए इस दिन को यहीं पर विराम देते हैं, आई होप आपने ये ब्लॉग इन्जॉय करा होगा। मैं मतलब इसके चक्कर में ना पूरा जो करना था वो भी नहीं कर पाया, जो काम थे पेंडिंग रह गए मतलब ये काम बहुत ज़रूरी हो गया था मेरे लिए, मतलब जब मैंने छेड़ दिया तो पूरा काम करना ही है ये, तो चलो ये तो होता रहेगा, देखते हैं कब तक होगा। फिलहाल ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, आई होप आपको ब्लॉग बढ़िया लगा होगा, इन्जॉय करा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।